सरकारी उदासीनता का पात्र बन गया है कला संस्कृति एवं युवा विभाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ रिया पाल। बेतिया पश्चिम चंपारण जिले के नगर भवन के पीछे बना कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा संचालित खेल व्यायामशाला भवन सरकारी उदासीनता का पात्र बन गया है। सफाई कर्मी नहीं होने के कारण चारों तरफ कचरा ही कचरा नजर आता है। सफाई कर्मी के अभाव में कभी कभी तो जिला खेल पदाधिकारी को ही स्वयं इसकी सफाई करनी पड़ती है। एक ओर जहां जिले में खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए इस भवन का निर्माण किया गया और इस भवन में जिला प्रशासन द्वारा SDRF के दर्जनों जवान इसमें अपना आश्रय स्थल विगत 2 वर्षों से बना लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ एक कच को शिक्षा विभाग द्वारा कब्जा करके ताला लटका दिया गया है, जबकि इस कार्यालय भवन में सिर्फ खेल संबंधित कार्य ही संचालित करना है, परंतु भवन में आए दिन जिला प्रशासन द्वारा कोई न कोई अन्य कार्यक्रम के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे जिला के खिलाड़ियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दूसरी तरफ महाराजा स्टेडियम में अलविदा तनाव में लगे पंडाल को अभी तक नहीं हटाया गया है, जिससे मैदान में खेलने आ रहे खिलाड़ियों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जिला खेल पदाधिकारी ने बताया कि कर्मचारियों की कमी के कारण उनका कार्य बराबर बाधित रहता है। किसी तरह भगवान भरोसे इस विभाग का कार्य हो रहा है। उन्होंने कई बार इस समस्या को लेकर जिला पदाधिकारी को लिखित शिकायत भी की, लेकिन मामला फाइलों में धूल चाटता रहा है। बताते चले कि जब से जिला खेल पदाधिकारी अपना प्रभार लिए हैं खेल कूद की क्षेत्र में, जहां जिला का नाम रोशन तो हुआ, वहीं विश्व के पटल पर भी यहां के खिलाड़ी नाम कर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की उदासीनता का कारण अपनी समस्याओं से जूझ रहा यह विभाग अपने तारनहार के इंतजार में आस लगाए बैठ कला संस्कृति एवं युवा विभाग। अब देखना यह है कि वरीय पदाधिकारी की नजर कब तक जाती है। सर, क्या क्या समस्याएं हैं आपके विभाग में? हमारे पदस्थापना में एक पदाधिकारी का पोस्टीकृत है, इसके अलावा कार्यालय परिचारी तथा एक लिपि का पोस्ट है, यानी 3 यूनिट हमारे यहाँ है, और एक कार्यपालक सहायक को लिया जाए तो 4 पोस्ट है। लेकिन अभी तत्काल में हम देख रहे हैं कि 10 वर्षों से कार्यालय परिचारी का पोस्ट बिल्कुल रिक्त है। 2021 में लिपि का यहाँ पदस्थापन हुआ था, लेकिन वो पटना के निवासी हैं और अपना पदस्थापन 2021 से ही पटना में करा लिए हैं, जिसके चलते आज तक लिपिक का पद खाली है। लिपिक का पद खाली होने के चलते पदाधिकारी को बहुत परेशानी होने पड़ रही है, क्योंकि कार्यालय परिचारी का काम करना है, लिपिक का भी पद मैंने काम करना है, जिसके चलते जो कार्य तेज गति से होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। सर, आपके यहाँ स्टाफ की बहुत कमी का पता चला है कि ना सफाई कर्मी है, ये सारी चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं फिर आप? हमारे यहाँ सफाई कर्मी भी नहीं है, गवर्नमेंट ने इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया लेकिन सफाई कर्मी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन निकट भविष्य में ऐसा लग रहा है कि लोग मैंने विभाग द्वारा सफाई कर्मी या सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था की जाएगी ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी तत्काल में हमारे यहाँ कोई सफाई कर्मी या कोई भी पद नहीं है, जिसके कारण कभी कभी हमारे स्तर से भी मैंने सफाई कर्मी का काम इस बिल्डिंग में किया जा रहा है। सर, इसके लिए आपने लिखित आवेदन कहीं दिए? हाँ, मैंने जिला पदाधिकारी महोदय को पत्र निर्गत कर दिया हूँ, ताकि निकट भविष्य में एक लिपिक का मैंने कर्मचारी हमको मिल पाए। विभागीय बिल्डिंग में पुलिस विभाग के बहुत सारे लोग देखने को मिल रहे हैं, तो लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे फिर? हाँ, आपदा प्रबंधन विभाग के जो SDRF की टीम है, जिला आपदा पदाधिकारी के माध्यम से वो लोग करीब 2 वर्षों से यहाँ मैंने फर्स्ट फ्लोर पे अपना जमाए हुए हैं, जिसके कारण खेल कूद के में बच्चों की भी परेशानी हो रही है। कभी कभी फर्स्ट फ्लोर पर भी शिक्षा विभाग के द्वारा या अन्य पुलिसकर्मी के द्वारा भी प्रथम फ्लोर का भी यूज़ किया जाता है। जब भी किसी तरह का पर्व त्यौहार आता है तो पुलिसकर्मी भी फर्स्ट फ्लोर पर अपना आके। तो सर, आप क्या चाहते हैं, सारी चीज़ें यहाँ से हटना चाहिए या नहीं? हम चाह रहे कि खेल भवन सह व्यायामशाला भवन है, खेल में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए और खेलों के विकास के लिए अगर देखा जाए तो खेल भवन खेल हित में होना चाहिए, ताकि यहाँ के जिला के खिलाड़ियों को राष्ट्र स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, स्टेट लेवल पे प्रतिभा का उजागर किया जा सके। विजय कुमार पंडित, जिला खेल पदाधिकारी, पश्चिम चंपारण।